गाइस वेलकम है आपका दीपशिखा डागर ए टू जेड में। और आज हमने पूजी है नौमी, क्योंकि हमारे यहाँ पे पूजते हैं नौमी माता रानी की, जय हो। और देखो मैंने अपना प्रसाद बना लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ अपना प्रसाद मैंने क्या क्या बनाया है। इसके बाद हम करेंगे माता रानी की जोत और मैं आपको अपनी जोत भी दिखाऊंगी कि माता रानी की हमारी जोत कैसी हुई है। प्रसाद तैयार है, ये है माता रानी का हलवा, ये है माता रानी के अठावरी पूरियाँ, ये है माता रानी के छोले और ये है माता रानी की सब्ज़ी। तो अब मेरा सारा खाना हो चुका है तैयार। अब देखो थोड़ी देर में हम अपनी कन्याओं को बुलाएंगे, अब मैं जा रही हूँ जोत लगाने, फिर हम अपनी कन्याओं को बुलाएंगे और करेंगे कन्याओं का पूजन। देखो माता रानी की लग गई है जोत और ये लग गया माता रानी का भोग। और ये अभी हम करेंगे कपूर और लौंग की आरती। और देखो भाई मेरी जौ कितनी अच्छी हुई है, देखो माता रानी की असीम कृपा हुई है, मेरी जौ देखो कितनी अच्छी हुई है। आज हम इस जौ को विसर्जित करेंगे मडूडी में, अपने गांव में। मैं आपको ले चलूँगी, दिखाऊँगी जी कहाँ पे है हमारी मडूडी और कहाँ पे हम इसको विसर्जित करेंगे। तो ये है माता रानी का श्रृंगार और ये भी हम मंदिर में दियाएंगे आज। और देखो कितनी अच्छी हुई है, बताओ जी किस किस के घर में नौमी पूजती है और किस किस की जौ इतनी अच्छी हुई है, कमेंट में बताना जी। तो लगा लेते हैं माता रानी का भोग। भाई हमारी कन्याओं को हमने कन्या बिठा ली है और सभी का भोग लग गया है। एक बार जयकारा लगा दो, बोलो सच्चे दरबार की जय, जय माता की जय। हमारे गांव की मडूडी अब यहाँ पे हम करेंगे विसर्जित। नहीं हाँ ले आओ, देखो भाई हमारे गांव की मडूडी, अब यहाँ पे हम इस जौ को कर देंगे विसर्जित। चलो चलते हैं। दिव्य बाबा पकड़ना इसको, देखो आ रहे हैं इसके पापा भी, रुको ऐसे पकड़ लो इसको। देखो भाई हो गई है विसर्जित। माता का श्रृंगार मंदिर में दे आई हूँ और पंडित जी ने मुझे ये चूड़ियाँ पहनने के लिए दी हैं। तो जी सभी को जय माता दी।